जैसे कि आ, कहते हैं कि मीनोपॉज के बाद बोन्स में प्रॉब्लम रहने लगती है और दस तरह के इश्यूज आ जाते हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि जब पीरियड्स जाते हैं तो अपने साथ कोई बीमारी देकर जाते हैं वो तो जाते हैं लेकिन शरीर में कोई बीमारी छोड़ जाते हैं ये कितना ठीक है क्या ये वाकई ऐसा होता है हाँ देखिए मीनोपॉज के नाम से आजकल महिलाएँ बहुत आ, बहुत सवाल उनके दिमाग में आते हैं बहुत वो गूगल और रिसर्च करना चाहती हैं कि मीनोपॉज़ का समय आ रहा है तो अब शरीर में क्या बदलाव होगा या मीनोपॉज आ रहा है तो कहीं कैंसर रिस्क ना बढ़ जाए या मीनोपॉज के बाद कोई नई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए तो बहुत तरह के सिम्टम्स हैं और बहुत से बदलाव आते हैं शरीर में क्योंकि पीरियड्स का शुरू होने का टाइम और ख़त्म होने का टाइम इसी समय पे इरेगुलैरिटीज़ भी हैं इसी समय मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं आपके स्किन में भी चेंजेस हो रहे हैं आपके पूरे एपिथीलियम में चेंजेस हो रहे हैं जो किडनी का ट्रैक्ट है जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है ब्लैडर में बदलाव आ रहा है और आपको हॉट फ्लैशेज हो रहे हैं तो इससे कोप अप करने के लिए यदि आपकी जानकारी सही है और यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं अपनी लाइफ हेल्दी रखते हैं बहुत सी महिलाओं में डिप्रेशन एंगजाइटी जैसे फीचर्स भी इस टाइम पर हम देखते हैं पर, आ, परंतु एट द सेम टाइम ये ज़रूरी है कि पहले और अब में क्या फ़र्क है कि अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको हम कहते हैं कि बीमारी होने से पहले टेस्ट करना वो हम मीनोपॉज के बाद फोकस करते थे कि मीनोपॉज के बाद सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा है या ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा है या ओवेरियन कैंसर ज़्यादा है परंतु अब वो नहीं रहा तो अब आपको कम उम्र में भी उतना ही ध्यान रखना है जो मीनोपॉज के समय ध्यान रखना है बस ये ज़रूर है कि हाँ मीनोपॉज के बाद शरीर में बदलाव आएंगे वजन बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ेगी जो आपका फैट कंटेंट है बॉडी का वो बढ़ जाता है प्रोटीन मसल से कम आने आ, कम हो जाता है आपकी मसल में तो आ, स्किन में भी बदलाव आता है स्किन श्रिंक होने लगती है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं पर ये ग्रेजुअल प्रोसेस है तो ये प्रॉब्लम्स जो 20 साल पहले महिलाएं थीं या जो हमारी दादी नानी के उम्र की महिलाएं थीं उन्होंने ये सब ट्रबल नहीं फेस करी क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और ग्रेजुअल अभी भी है तो परंतु शायद गूगल करके या लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्कस करके इस इसके बारे में लोग बहुत सोचने लगे हाँ पर ये एक नेचुरल फेज़ ऑफ लाइफ है पर इससे घबराने की बात नहीं है